गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो मैं आज बना रही हूँ आलू टिक्की। आलू को बॉयल करके ठंडा करके मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, अभी ऐड करना है। इधर मसाला दिखा देती हूँ, आपके पास धनिया है तो डालिए, मैं आज पुदीना डाल रही हूँ, धनिया नहीं डाल रही हूँ। मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, इस तरह से काट लिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर या काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी खाली कलर चेंज के लिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा राइस का आटा या चावल का आटा या राइस का आटा, ये थोड़ा कॉर्नफ्लोर एक चम्मच इतना, और एक चीज़ है लेमन का जूस। सबसे पहले लेमन जूस ऐड करूँगी मैं, दो चम्मच जितना भर के लेमन जूस। अच्छा खट्टा मीठा नमक टेस्ट आएगा, और नमक में मेरे हिसाब से ऐड कर रही हूँ, और जितने भी मसाला है सारे मसाला इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस और कॉर्नफ्लोर का आटा वो लास्ट में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो सारा एक साथ मिक्स कर लिया, अभी इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लेमन डाला है तो अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं खट्टा ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें और एक चीज़ ऐड करना है, सूखा लाल मिर्ची होता है, ये है सूखा लाल मिर्ची, थोड़ा सा सूखा भाज के मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लिया। तो ये हो गया, आप चाहो तो इस टाइम पे नमक टेस्ट कर सकते हो, तो आप इस टाइम पे नमक ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसका खुशबू और फ्लेवर बहुत मस्त है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छे से मिक्स हो गया, अभी कढ़ाई में तेल गरम करने को डाल देंगे। तेल मैंने डाल के रखा, अभी कढ़ाई को गरम करने देंगे। आप चाहे तो सैलो फ्राई कर सकते हो कम तेल में, थोड़ा सा हल्का सा, और चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो, आप किसी के साथ कैसा भी कर सकते हो। तब तक आलू को और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इधर जो चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर है दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके पहले इसको गोला बना लेते, गोल गोल करके उसके बाद इसमें लगा के फिर फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत क्रिस्पी होगा। चावल का आटा जरूर डालिए, तो उससे क्या होगा, आलू का जो एक्सेस पानी है या थोड़ा सा भी गीला रहेगा वो अच्छे से सोक कर लेगा। और मैंने आलू को बॉईल करके आधा घंटा जितना फ्रिज में रखा था, तो आलू अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसको तेल को मैंने गरम करने के लिए डाल दिया। इस तरह से इसको गोल बना लेंगे, आप चाहो तो ज़्यादा पतला मोटा वो आपके हिसाब से है, और इस तरह से इसको रोल कर लीजिए, फिर शेप एकदम अच्छे से बराबर आ जाएगा। और इधर जो राइस और कॉर्नफ्लावर ये दोनों मिक्स करके रखा, ये इसके साथ ऐसा कोट कर लेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे, क्या ज़्यादा ऊपर ऊपर नहीं आए, कि इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर ज़्यादा पाउडर मत रखिए, क्योंकि फिर वो तेल में ना जम जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गया, इस तरह से मैं सारा रेडी कर लूँगी, रेडी करके फ्राई करते टाइम आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, तेल अच्छे से गर्म हो गया, अभी इसमें आलू टिक्की को ऐड कर दूँगी। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद आप डालिए, और उसके बाद गैस को स्लो रखिए, तो एकदम फ्रीज में बनेगा। तेल अच्छे से गर्म है, अभी इसको होने देते, एक साइड देखिए थोड़ा लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको पार्टी कर लेते। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्दी बन जाता है, सब कुछ रेडी रहेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो ये चारों होने देते, तब तक बाकी जो है वो मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसे अच्छे से लाल हो गया एक साइड में, ये अच्छे से लाल हो गया, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। अभी इसको निकालेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा तेल है उसको मैं टिश्यू में डाल के निकाल लेती हूँ। पहले तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे, तो देखिए ये हो गया, अभी इसको निकाल लेते हैं, और इसके साथ जो दूसरा है, दूसरा भी वो भी बना लेती हूँ, बना के फिर आप लोगों को दिखा दूँ। गाइस, आज मैंने बनाया आलू टिक्की, होममेड आलू टिक्की है, ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया मैंने। तो
आप लोगों का अगर रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। आयुष टेस्ट, आयुष इधर ड्राइंग बना रहा है। आयुष अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। अच्छा है, चलो टेस्ट करो आयुष कैसा बना बताओ। आयुष को टोमेटो सॉस पसंद है, आप लोगों को चाहिए ग्रीन चटनी के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, पर टोमेटो सॉस आयुष को पसंद है इसलिए मैंने ग्रीन चटनी भी बनाया। गरम है, देख के खाना। ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका अलग ही दुनिया में रहता है वो। ऊपर से कड़क है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आज के लिए बाय। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। गुड नाइट।